स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 8 नेम विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन. प्रीवियसली वी हैव स्टडीड अबाउट चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 5. तो चैप्टर नंबर 5 अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर 6 अबाउट फिजिकल केमिकल चेंजेस, चैप्टर नंबर 7 विच इज अबाउट वेदर, विच इज अबाउट वेदर, एंड चैप्टर नंबर 8 means wind, storm and cyclone. In this chapter, we have studied about our concept. First is heat and pressure, air and pressure. Second is air expands on heating. Third, thunderstorm and cyclone. Fourth, safety against destruction. क्योंकि अगर cyclone, wind, storm ये सब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, harm होगा किस पे, किसी भी नेचुरल प्रॉपर्टी या हमारी प्रॉपर्टी किसी पे भी. तो इसके लिए सेफ्टी मेजर्स क्या है कि जो डिस्ट्रक्शन को रोक सके, ये सब पढ़ना है. तो फर्स्ट हम टॉपिक 8.1 स्टार्ट करते हैं, एयर एंड प्रेशर. एयर एंड प्रेशर, एयर एक्सपर्ट्स प्रेशर. एयर क्या करता है, प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल, एयर इज फिल्ड इन बाय साइकिल ट्यूब टू कीप देम टाइट, बट ओवर फिल्टेड ट्यूब बर्स्ट ड्यू टू टू मच प्रेशर एक्सपर्ट बाय एयर. देखो, हमको पता है कि जो बाइसिकल के अंदर जो ट्यूब आती है, वो ट्यूब अगर हम एयर नहीं भरेंगे, अगर एयर कम भी होगी तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको बाइसिकल को चलाने के लिए. अगर हमने बहुत ज़्यादा एयर भर दी तो समर में क्या होगा कि उस एयर के कारण हमारा टायर मीन्स फट भी सकता है, मीन्स ट्यूब फट भी सकती है. तो ऐसा नहीं कि प्रेशर ज़्यादा है तो एयर का प्रेशर ज़्यादा है तो काम इजीली हो जाएगा, या तो एयर का प्रेशर कम है तो. लेकिन एयर के प्रेशर को हमको मेंटेन रखना पड़ेगा. लाइक मान लो कि बाइसिकल की जो ट्यूब है उसमें अगर एयर की प्रेशर कम है, तो एयर का जो प्रेशर कम है तो उससे भी आपको पैंडल मीन्स ज़्यादा बाइसिकल में तो मीन्स एक्सीलरेशन ज़्यादा देना पड़ेगा. या तो आपकी साइकिल है तो साइकिल में भी ऐसा ही होगा. उसका उल्टा, अगर हमने ट्यूब में बहुत ज़्यादा एयर भर दी तो एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बनेगा. तो समर में आप देखोगे कि अगर ज़्यादा हवा भरोगे आप ट्यूब में तो क्या हो जाएगा, हमारा टायर या ट्यूब फट भी सकता है. प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज नोन एज एयर प्रेशर. प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, तो एयर के कारण जो भी प्रेशर बनता है उसको बोलते हैं एयर प्रेशर. एयर प्रेशर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट क्रिएट्स विंड. एयर प्रेशर इम्पोर्टेंट है क्यों, क्योंकि एयर की प्रेशर से ही विंड क्रिएट होता है. चेंजेस इन वेदर अकर ड्यू टू द चेंज इन एटमोस्फियर प्रेशर. वेदर में चेंज होगा तो उसके कारण चेंज होगा, एटमोस्फियर प्रेशर में भी चेंज होगा. एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर. हमने क्या बताया, एयर के कारण ही प्रेशर बनेगा. तो एयर जो फ्लो होती है वो किस प्रेशर से किस प्रेशर में फ्लो होगी, तो एयर ऑलवेज फ्लो होती है कहाँ से, कहाँ, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर मीन्स हाई प्रेशर वाले रीजन से टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर. हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन पे एयर फ्लो होगी. द ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव. अगर प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो एयर क्या होगी, उसके अंदर ज़्यादा मूव करेगी, मीन स्पीडली मूव करेगी. हाई स्पीड विंड आर एकम्प्लिश्ड बाय द रिड्यूस एयर प्रेशर. तो हाई स्पीड का जो विंड है वो एकम्प्लिश होगा, किससे एकम्प्लिश होगा, बाय रिड्यूस मीन्स आप एयर के प्रेशर को रिड्यूस करके भी आप हाई स्पीड के विंड को घुमा सकते हो. फर्स्ट पॉइंट, एयर एक्सपर्ट प्रेशर. एयर क्या करता है, प्रेशर बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, मीन्स बाइसिकल वाला एग्जाम्पल ले लिया कि टू मच टाइट होगा तो वो फट भी सकता है, या तो आप कम भरोगे तो आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना मीन्स ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा. मीन्स एयर का प्रेशर कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए बाइसिकल में. तो जो ये प्रेशर, एयर जो प्रेशर बनाता है उसको एयर प्रेशर बोलते हैं. और ये ऑलवेज क्या होगा, एयर फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में. अ ग्रेटर डिफरेंस मीन्स प्रेशर में अगर डिफरेंस ग्रेटर होगा तो एयर क्या होगी, जो मूव करेगी वो फास्टर मूव करेगी. हाई स्पीड वाला जो विंड है वो एयर कम्प्लीस होगा रिड्यूस करके. हाई स्पीड विंड है तो उसको अगर कम करना है तो एयर का प्रेशर आप कम करो, तो जो विंड की जो स्पीड है वो भी कम हो सकती है. एक एक्टिविटी पढ़ते हैं उसके बारे में.
टू शो दैट एयर एक्सपर्ट प्रेशर, तो उसके बारे में प्रोसीजर दी हुई है, टेक अ टिन कैन अ लीड एंड फिल इट हाफ वे विथ वाटर, एक कैन ले लो उसमें हाफ वे तक आप वाटर को फिल करो। सेकंड, हिट द टिन कैन ऑफ अ फ्लेम फॉर सम टाइम टिल द वाटर इनसाइड टू कैन स्टार्ट बॉइलिंग, मीन्स नीचे एक फ्लेम रखो, फ्लेम से जो हमने जो कैन लिया है वो कैन को आप नीचे से फ्लेम मीन्स उसको जलाओ, तो वाटर इनसाइड द कैन स्टार्ट बॉइलिंग, जो बॉयल जो कैन के अंदर जो वाटर है वो क्या होगा, बॉइलिंग होना स्टार्ट करेगा। रिमूव द टिन कैन फ्रॉम द फ्लेम यूजिंग टंग एंड इमीडिएटली क्लोज द माउथ ऑफ कैन ऑफ द कैन विथ द लीड, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग हॉट कैन, मीन्स जो ये कैन लिया उसको जलाया, बॉइलिंग होना स्टार्ट किया, फिर उसको क्या करो, क्लोज कर दो उसका माउथ। नाउ कीप द टिन कैन इन अ मेटालिक वेसल एंड पोर फ्रेश वाटर ओवर इट, क्या करो उसको एक अलग मेटालिक वेसल में लो और उसके ऊपर उसके बाद क्या करो फ्रेश वाटर उसके ऊपर डालना स्टार्ट कर दो, क्या करो जो बॉइलिंग वाटर था बॉइलिंग वाटर के ऊपर क्या करो फ्रेश वाटर को डालना स्टार्ट कर दो, तो इससे क्या होगा, तो ऑब्जर्वेशन द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्टॉर्ड, देखो नीचे राइट साइड पे दिया हुआ है, क्या होगा शेप उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कंक्लूजन क्या पता चला, व्हेन वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन स्टीम इनसाइड कैन फॉर्म ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ द वाटर कंडेंस इनटू वाटर, मीन्स जैसे जैसे हमने ऊपर से ठंडा पानी मीन्स कोल्ड वाटर डाला तो जो एयर जो था एयर का प्रेशर अंदर जाना स्टार्ट होगा इनटू वाटर, तो वाटर को कंडेंस करने का ट्राई करेगा, दिस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द एयर इनसाइड द कैन, जो कैन के अंदर जो पहले से जो था प्रेशर उसको रिड्यूस करने का ट्राई करेगा। एज द रिजल्ट उसको क्या होगा कि एज द रिजल्ट ऑफ द प्रेशर इनसाइड इट द कैन बिकम लेस देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर आउटसाइड द कैन, मीन इनसाइड जो प्रेशर था वो आउटसाइड प्रेशर से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, द प्रेशर डिफरेंस अब क्या हुआ दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस लीड्स टू द डिस्टॉर्ट शेप ऑफ द कैन, तो ये जो कैन का जो शेप चेंज हुआ ये शेप का जो चेंज हो उसका रीजन ही क्या है, उसका रीजन यही है प्रेशर चेंज या तो प्रेशर डिफरेंस। दिस एक्टिविटी कंफर्म्स दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, इसी एक्टिविटी से पता चला कि एयर क्या होगा प्रेशर क्रिएट करता है, फिर से कैन में ठंडा पानी लिया ठंडा पानी को फ्लेम से जलाया बॉइलिंग होना स्टार्ट किया, फिर बॉइलिंग वाला वाटर था उसको अलग कैन में लिया और उसके ऊपर ठंडा पानी ऐड किए, तो ये जो है कैन के शेप में क्या होगा चेंज होगा।